हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग एब्सोल्युटली नथिंग। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक कुत्ता टीवी पर शो देखते हुए दिखाया जाता है, जिसको इंसानों ने रॉकेट के जरिए स्पेस में भेजा होता है, जिसका काम ये पता लगाना है कि इस दुनिया में कोई दूसरी स्पीशीज है या फिर नहीं। उसी रॉकेट में एक मैप और एक मैसेज होता है, ताकि अगर ये किसी भी एलियन को मिले तो वो लोग समझ जाए कि हम उनसे दोस्ती करना चाहते हैं। जिसके बाद हमें कहानी के मेन लीड कैरेक्टर नील को दिखाया जाता है, जो एक अवार्ड सेरेमनी में एक ब्यूटीफुल गर्ल जिसका नाम कैथरीन है उससे बेस्ट बुक राइटर का अवार्ड ले रहा होता है। लेकिन तभी सेरेमनी के बीच में अचानक से कहीं से बहुत सारे कुत्ते आ जाते हैं, और इन सब की वजह से नील की आंखें खुल जाती है, क्योंकि असल में वो सपना देख रहा होता है, जहां पर उसके उठने के बाद हम देखते हैं कि उसकी पड़ोसन उसे उसके कुत्ते के लिए सुना रही होती है कि अगर तुमने इसका भौंकना बंद नहीं कराया ना, तो मैं इसे डॉग सेंटर भेज दूंगी। जिसकी बातों को इग्नोर करके नील तैयार होकर अपने काम के लिए घर से निकल जाता है, जिसे रास्ते में कैथरीन मिलती है, जिससे वो एक तरफा मोहब्बत करता है। वो उसे कहता है कि आज तो तुम मेरे सपने में आई थी और मुझको मेरी बुक के लिए अवार्ड दे रही थी। असल में नील एक टीचर है जो एक बुक भी लिख रहा है, पर कैथरीन उसको बिना भाव दिए वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर स्पेस में इंसानों द्वारा भेजा हुआ रॉकेट एक स्पेसशिप से मिल जाता है, जिसके अंदर कुछ अजीब से दिखने वाले एलियन बैठे होते हैं, जो इंसानों द्वारा भेजे गए मैसेज को देखकर हंसने लगते हैं, क्योंकि असल में वो कोई मामूली एलियन नहीं थे, वो तो एलियन गैलेक्टिक काउंसिल के मेंबर थे, जो सभी प्लैनेट्स की जांच कर उनमें से बेकार प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर देते थे। इसीलिए अब वो पृथ्वी को समझने के लिए यहां के कुछ लोगों की वीडियोस को देखने लगते हैं, और वीडियोस को देखने के बाद ये लोग फैसला करते हैं कि ह्यूमंस एक बेकार स्पीशीज है जिनको नष्ट कर देना चाहिए। लेकिन वहां पर बैठा एक एलियन कहता है कि शायद हमें इंसानों को एक और मौका देना चाहिए। वो बोलता है कि हमें काम करते हैं, काउंसिल के नियमों के हिसाब से पृथ्वी के किसी एक इंसान को चुनकर उसे 10 दिन के लिए अपनी सुप्रीम पावर्स दे देते हैं, और अगर उसने उन पावर्स का अच्छा इस्तेमाल किया तो हम पृथ्वी को अपने साथ काउंसिल के ग्रहों में शामिल कर लेंगे, लेकिन अगर चीजें इसके विपरीत हुई तो हम पृथ्वी को तुरंत ही नष्ट कर देंगे। जिसके बाद उस काउंसिल के शिप से एक लेजर बीम निकलती है, जो सीधा पृथ्वी पर नील के हाथ पर आकर लगती है, जो अपने स्कूल जा रहा होता है, जिसकी वजह से वो गिर जाता है और उसकी साइकिल भी टूट जाती है, जहाँ पर स्कूल लेट पहुँचने की वजह से उसका हेडमास्टर उसको बहुत सुनाता है, जो नील को कुछ खास पसंद भी नहीं करता था। लेकिन कोई वजह भी है जिसकी वजह से वो नील को वहाँ से निकाल नहीं सकता है। अब जैसे तैसे नील अपना आधा दिन गुजारने के बाद अपने दोस्त रे के साथ बैठकर स्कूल की कैंटीन में खाना खा रहा होता है, जहां पर खाना खाते खाते रे उससे पूछता है कि अगर तुम्हारे पास अपनी कोई भी विश पूरी करने की शक्ति होती तो तुम क्या मांगते। जिस पर नील मजाक में बोलता है कि यार काश मेरी बुक पूरी हो जाए, और तभी अचानक से उसके घर पर उसकी बुक बननी लगती है, लेकिन रे उसको बोलता है कि नहीं नहीं ये नहीं, तुम कुछ और मांगो। जिस पर नील एक बार फिर से अपना हाथ घुमाते हुए बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि टेंसी की क्लास डिस्ट्रॉय हो जाए, क्योंकि वहाँ के बच्चे मुझे बहुत परेशान करते हैं। और तभी एक लेजर आकर क्लास टेंसी पर गिर जाती है, जिससे पूरी की पूरी क्लास उड़ जाती है, जिसमें कुछ लोगों की मौत भी हो जाती है। असल में ये सब उन एलियंस की दी हुई सुप्रीम पावर की वजह से हो रहा होता है, जो अब नील के शरीर के अंदर है। अब वो इस दुनिया में अपना हाथ घुमाकर जो चाहे वो कर सकता है, पर नील अभी भी अपनी शक्तियों से अनजान होता है। नील अपने घर पहुंचकर उन बच्चों के बारे में सोचकर बहुत परेशान हो रहा होता है कि तभी उसका डॉग डेनिस वहां पर आकर पॉटी कर देता है, जिसको देख नील अपना हाथ घुमाकर अपने डॉग डेनिस से कहता है कि ये क्या कर रखा है तुमने, जाओ इस पॉटी को यहाँ से हटाओ। और बस इतना कहते ही डेनिस की पॉटी अपने आप चलकर कमोड में जाकर कूद जाती है, जिसको देखकर नील की आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो विस्की पीने लगता है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि शायद वो कोई सपना देख रहा है, और हड़बड़ी में उसके हाथ से विस्की की बोतल भी नीचे गिर जाती है, जिसको देखकर वो सोचता है कि अगर मेरे हाथ घुमाने से और कहने से ये विस्की की टूटी हुई बोतल वापस से जुड़ गई तो ये कोई सपना नहीं होगा। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, वो गिरी हुई विस्की की बोतल वापस से जुड़ने लगती है, जिसको देख नील एक बार फिर से चौंक जाता है। और अब वो अपनी पावर्स को एक बार फिर से चेक करने के लिए विस्की की बोतल से कहता है कि जाओ और रम की बोतल में बदल जाओ,
और नील के बस इतना कहते ही वो विस्की की बोतल कूदते कूदते वाइन शॉप की ओर जाने लगती है। नील और उसका डॉग डेनिस दोनों उसके पीछे भागते हैं, जहां पर वाइन शॉप बंद होने की वजह से वो बोतल दुकान का शीशा तोड़कर उसमें घुस जाती है, जिसकी वजह से दुकान का अलार्म बज जाता है और वहां पुलिस आ जाती है जो नील को पकड़कर ले जा रही होती है। लेकिन तभी नील अपना हाथ घुमाता है और कहता है कि काश मैं और डेनिस घर पहुंच जाएं। और होता भी ऐसा ही है, क्योंकि वो दोनों वहां से गायब होकर सीधा अपने घर पहुंच जाते हैं, जहां पर नील अपनी सुपर पावर्स के बारे में अब सब कुछ समझ चुका था। वो ये जान गया था कि इसी सुपर पावर्स की वजह से कितने सारे बच्चे मरे थे। वो उन बच्चों को फिर से जिंदा करना चाहता था, इसलिए वो अपनी पावर का फिर से इस्तेमाल करता है और कहता है कि सारे मरे हुए लोग जिंदा हो जाएं। और तभी सारे मरे हुए और कब्र में दफन हुए लोग जिंदा होकर उसके घर के बाहर आ जाते हैं, जिनको देखकर वो डर जाता है और वापस से ये विश करता है कि काश वो क्लास 10 सी कभी उड़ी ही ना होती। और तभी अचानक वो उसी समय में वापस चला जाता है, जहां नील का दोस्त रे उससे ये पूछ रहा था कि तुम्हारी विश क्या है। रे उससे फिर से वही सवाल पूछता है, जिस पर नील उसको बोलता है कि तुम विश्वास नहीं करोगे, मैंने अभी एक ऐसा सपना देखा जिसमें मेरे पास ऐसी सुपर पावर्स थी जहां मैं अपना हाथ घुमाकर अगर कुछ भी बोलूंगा तो वो सच हो जाएगा। वो अपनी उसी क्लास की तरफ जाता है जिसे उसने उड़ा दिया था। क्लास के बच्चे बहुत सारा शोर मचा रहे होते हैं, जिसे देखकर वो बोलता है कि ये सारे बच्चे पढ़ाई में बहुत तेज हो जाए और मेरी इज्जत करने लगे। तभी पूरी क्लास शांत होकर नील की इज्जत करने लगती है। नील समझ जाता है कि वो कोई सपना नहीं था, जहां अब वो विश करता है कि स्कूल का हेडमास्टर मुझसे अच्छे से बात करे। और जो हेडमास्टर नील से नफरत करता था, अब वो उसे तमीज से और प्यार से बात करने लगता है। उसका दोस्त रे भी मिस प्रिंगल नाम की एक टीचर से प्यार करता था, जो उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देती थी। इसीलिए नील अपनी पावर से उस लड़की को रे के पीछे लगा देता है, जिसको देखकर रे बहुत खुश हो जाता है। जबकि दूसरी ओर कैथरीन बहुत परेशान होती है, क्योंकि उसके ऑफिस में उसके सुपीरियर उसकी बात ही नहीं मानते हैं। और ये सब तो कुछ नहीं, एक कर्नल जिसका नाम ग्रैंट होता है, जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था, वो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था। कैथरीन उससे बहुत परेशान होती है, वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, और वैसे भी उसने गलती से उसे दारू के नशे में अपना बॉयफ्रेंड बना लिया था। नील अपनी पावर्स के बारे में रे को बताता है, पर उसको उस पर यकीन ही नहीं होता है। इसलिए नील रे को यकीन दिलाने के लिए एक स्केलेटन को नाचने के लिए और खिड़की से कूदने के लिए कहता है, और वो वैसा ही करता है, जो खिड़की से सीधा हेडमास्टर की गोद में जाकर गिरता है, जिसको देख हेडमास्टर गुस्से से उन दोनों के पास आता है, पर वो नील को देखकर बिल्कुल शांत हो जाता है और प्यार से वहां से चला जाता है। रे को ये सब देखकर अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि तभी नील उसे एक और चमत्कार दिखाता है, जहां नील पूरे रूम में अपनी पावर से फूल ही फूल उगा देता है, जिसको देखकर रे अब समझ जाता है कि नील के पास सुपर पावर्स है, जिसकी मदद से अब वो दोनों बहुत मस्ती करते हैं। वहीं अब घर पर कैथरीन और उसकी दोस्त ग्रैंट के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो कितना बुरा इंसान है और वो कैथरीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इन सभी बातों के बीच में उसकी दोस्त उससे पूछती है कि तुम्हें तुम्हारा पड़ोसी नील कैसा लगता है। कैथरीन बताती है कि वो मुझे पसंद है और वो एक अच्छा आदमी है, जिसे सुनकर उसकी दोस्त उसे उसके पास अभी जाकर ये सब कहने के लिए कहती है। वहीं नील भी यही सोच रहा होता है कि क्यों ना मैं अपने पावर्स का इस्तेमाल करके कैथरीन को अपने प्यार में गिरा लूं। और तभी कैथरीन उसके दरवाजे के बाहर आकर उसे किस कर कमरे में अंदर ले जाती है। लेकिन ऊपर एलियन शिप में कुछ खराबी होने के कारण नील की शक्तियाँ कुछ देर के लिए चली जाती है, जिस बीच कैथरीन उसके पास आई थी। नील को तो ये लग रहा था कि ये उसकी पावर्स की वजह से है, लेकिन अब नील को इन पावर्स की आदत पड़ चुकी थी। वो अपने डेली लाइफ में इनका कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल करने लगा था, जैसे बारिश को रोककर सूरज को निकाल देना, अपने कपड़ों को बिना हाथ लगाए पहनना, यहाँ तक कि वो अपने डॉग डेनिस को भी बोलने की पावर्स दे देता है। पर डेनिस उसको बहुत परेशान करता है, क्योंकि वो आज पहली बार बोल रहा था कि तभी कैथरीन नील के घर आ जाती है। नील डेनिस को बोलता है कि प्लीज तुम चुपचाप एक नॉर्मल कुत्ते की तरह बिहेव करना, क्योंकि कैथरीन को नहीं पता है कि मेरे पास सुपर पावर्स है और तुम बोलते हो। जिसके बाद वो दरवाजा खोलता है, जहां पर कैथरीन नील से अपने दिल की बात बताने आई थी। वो उसको बहुत पसंद करती थी, पर तभी अंदर से नील का डॉग डेनिस नील को आई लव यू बोलता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूं। जिसकी आवाज को सुनकर कैथरीन को लगता है कि नील एक गे है,
और उसने अंदर एक लड़के को छुपा कर रखा हुआ है। वो ये सब सुनकर नील को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। नील भी उसके पीछे उसे सारी बात बताने के लिए रोड पर भागता है, पर तभी रे वहाँ पर अपनी कार लेकर आ जाता है और कहता है कि प्लीज तुम मिस प्रिंगल को ठीक कर दो, वो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। पर नील बहुत जल्दी में था, उसे कैथरीन से बात करनी थी, इसीलिए वो रे की कोई बात नहीं सुनता है और उसको एक सॉसेज में बदल देता है और वो फाइनली कैथरीन के पास तक पहुंच जाता है। पर वो उसकी एक नहीं सुनती है और उसको गे समझकर वहां से चली जाती है। नील रे को वापस से इंसान बना देता है, लेकिन एक बार फिर से मिस प्रिंगल रे के पीछे पड़ जाती है, जिसको ये सब एलियन भी देख रहे होते हैं। उनको लगता है कि ये तो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए ही कर रहा है और इसने अभी तक कुछ भी खास नहीं किया है, जिसे देखकर अब वो एलियन स्पीशीज ह्यूमन से डिसअपॉइंट होने लगते हैं। उधर दूसरी ओर कैथरीन अपने घर पर आती है, पर उसके घर के अंदर ग्रैंड बैठा होता है, जिसको देखकर वो घर से भागने की कोशिश करती है। नील उसे ऐसा करते हुए देख लेता है, इसलिए वो उसको बोलता है कि तुम चाहो तो मेरे घर पर आ सकती हो और जब तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड चला जाएगा तो तुम वापस अपने घर चली जाना। कैथरीन उसकी बात मानकर उसके घर में आ जाती है, जहां पर नील कैथरीन को अपनी पावर्स के इस्तेमाल से बना हुआ खाना खिलाती है, जिसको खाकर कैथरीन भी कहती है कि मैंने आज से पहले इतना अच्छा कुछ नहीं खाया, तुम बहुत अच्छे कुक हो। लेकिन खाने के बाद नील उसको अपनी पावर्स के बारे में बताने लगता है कि वो अपना हाथ घुमाकर जो भी कुछ बोलता है वो सच हो जाता है और तुमने उस दिन जिस आदमी की आवाज मेरे घर में सुनी थी वो असल में मेरा डॉग है, जो मेरी शक्तियों की वजह से अब बोल सकता है। पर कैथरीन उसकी बातें सुनकर हंसने लगती है। नील जानता था कि कैथरीन ऐसा ही रिएक्ट करेगी, लेकिन वो कहता है कि तुम मेरा यकीन करो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे मैं अगर ये कहूँ कि कैथरीन को उसके ऑफिस में एक प्राइवेट केबिन और उसके पीछे एक बहुत अच्छा व्यू मिल जाए तो वो तुम्हारे ऑफिस में हो चुका होगा। कैथरीन नील की ये सभी बातें सुनकर कंफ्यूज हो रही होती है कि तभी ग्रैंट खिड़की को तोड़कर वहाँ पर अंदर आ जाता है, जो नील को कैथरीन का बॉयफ्रेंड समझकर उसको मारने लगता है। उन दोनों के बीच में हाथापाई होती है। कैथरीन उन दोनों को रोकने की कोशिश करती है, पर वो दोनों नहीं रुकते हैं, जिसे देखकर वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन अब नील को गुस्सा आ गया था, इसलिए वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके ग्रैंट को दीवार में पटक पटक कर मारने लगता है। ग्रैंट नील की पावर्स को देखकर हैरान था और अब नील पीछे मुड़कर कैथरीन के पास बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ग्रैंट उसके सिर पर हमला करके उसे और उसके कुत्ते डेनिस को पकड़ लेता है, ताकि वो उसकी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर सके। जिसके बाद अगले सुबह हम देखते हैं कि कैथरीन अपने ऑफिस जाती है, जहाँ पर उसके सभी सीनियर्स उससे अच्छा व्यवहार कर रहे होते हैं, जो उसके लिए थोड़ा अजीब था। लेकिन अब उसको ये भी पता चल गया था कि उसका एक प्राइवेट केबिन भी है, जिसका एक बहुत सुंदर व्यू है। कैथरीन अब समझ जाती है कि नील मुझसे सब कुछ सच कह रहा था और वो उसके घर के लिए भागती है। कैथरीन को नील के घर पर रे मिलता है, वो उससे पूछती है कि वो कहाँ पर है, जहाँ पर रे ये बोलता है कि मुझे भी नहीं पता, मैं तो खुद उसको सुबह से ढूंढ रहा हूँ। अब रे और कैथरीन दोनों को नील की सुपर पावर्स के बारे में पता था। तभी कैथरीन को याद आता है कि रात में ग्रैंट और नील की लड़ाई हो रही थी और शायद ग्रैंट उसे पकड़कर अपने साथ ले गया होगा, इसीलिए वो रे से कहती है कि शायद मुझे पता है कि नील कहाँ पर है। जहाँ दूसरी ओर ग्रैंट ने नील और डेनिस को बांध रखा होता है और वो नील से कहता है कि अगर तुम मेरी इच्छाएं पूरी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे कुत्ते को मार दूंगा, जिसकी वजह से नील को उसकी अजीबोगरीब इच्छाएं, जैसे कि सभी ब्रिटिश लोगों के कान लंबे हो जाएं और पैर बत्तख की तरह हो जाएं। नील को ऐसी और भी ग्रैंट की अजीबोगरीब इच्छाएं पूरी करनी पड़ती है। लेकिन तभी वहाँ पर रे और कैथरीन पहुँच जाते हैं, जिसको देखकर ग्रैंट नील से एक और विश करने के लिए बोलता है, जिसमें वो चाहता है कि कैथरीन उसके प्यार में पूरी तरह से पागल हो जाए और मजबूरी में नील को उसकी ये इच्छा पूरी करनी पड़ती है। नील के हाथ घुमाते ही कैथरीन ग्रैंट को प्यार करने के लिए उस पर पागलों की तरह टूट पड़ती है, जिसका फायदा उठाकर नील खुद को आजाद कर लेता है और ग्रैंट को एक कुत्ता बना देता है, जिससे कैथरीन भी पहले जैसी हो जाती है। अब नील कैथरीन और रे से माफी मांगता है और रे के पीछे से मिस प्रिंगल को भी हटा देता है। वहीं अगले दिन नील कैथरीन से बात करने आता है, पर वो उससे कहती है कि मैं ऐसे इंसान से कभी प्यार नहीं कर सकती हूँ जो किसी को भी अपने प्यार में एक बार कहने से गिरा सकता हो, इसलिए जब तक तुम्हारे पास तुम्हारी शक्तियाँ हैं मैं तुमसे प्यार नहीं कर पाऊंगी। जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और अपने कमरे में जाकर सोचता है कि अब से मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे के लिए करूंगा। जिसके बाद वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके ये कहता है कि इस दुनिया में कोई भी भूखा ना रहे, किसी के पास भी खाने की कमी ना हो,
बेघर लोगों को घर मिल जाए, सारी चल रही जंग रुक जाए और ग्लोबल वार्मिंग खत्म हो जाए। जिसके बाद वो टीवी चलाकर देखता है कि इन सभी चीजों से कुछ फायदा हुआ या फिर नहीं। लेकिन अब दुनिया में खाने की कमी ना होने की वजह से सब लोग खा खा कर मोटे हो चुके थे। बेघर लोगों ने सहारा के रेगिस्तान में घर बना लिया था, जिसकी वजह से जगह कम पड़ने लगी थी और सारी पुरानी जंगें रोकने की वजह से सभी देश आपस में नई जंग लड़ने की तैयारी कर रहे थे। जबकि अब ग्लोबल वार्मिंग रोकने की वजह से सारी दुनिया में बर्फ जमने लगी थी। नील ये सब देखकर सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ तो सब उल्टा हो गया। और इन सभी चीजों को देखकर वो सबको पहले जैसा बनाकर खुद पुल से पानी में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो कूदता है, उसका डॉग डेनिस उसकी जान बचाने के लिए उसके साथ ही पानी में कूद जाता है, पर उसके कुत्ते को तैरना नहीं आता था, इसलिए अब मजबूरन नील को उल्टा अपने कुत्ते की जान बचानी पड़ती है। जहाँ दूसरी ओर स्पेस में वो एलियन इवैल्यूएट कर लेते हैं कि ह्यूमंस किसी काम के नहीं है, इसलिए वो पृथ्वी को नष्ट करने के लिए अपने शिप से एक लेजर को पृथ्वी की ओर छोड़ देते हैं। वहीं डेनिस और नील दोनों पानी से निकलकर एक पार में बैठ जाते हैं, जहां नील का डॉग डेनिस उससे कहता है कि मास्टर, अगर आपको ये शक्तियाँ नहीं चाहिए तो इनको मुझे दे दीजिए। और नील भी बिना कुछ सोचे समझे अपनी शक्तियाँ अपने कुत्ते को दे देता है। नील अपने डॉग से पूछता है कि तुम इन शक्तियों का क्या करोगे, जिस पर डेनिस अपना हाथ हिलाते हुए बोलता है कि मैं इन शक्ति को बनाने वाले को ही नष्ट कर दूंगा। और उसका ऐसा कहते ही जो लेजर बीम पृथ्वी पर आ रही होती है वो वापस उस एलियन शिप से जाकर टकरा जाता है, जिससे वो सभी एलियंस मारे जाते हैं। जिसके बाद नील देखता है कि अब उसके और उसके डॉग डेनिस के पास कोई भी पावर नहीं है, इसलिए वो जल्दी से कैथरीन के पास जाकर उसको ये बताता है और उससे कहता है कि क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो, मैं तुम्हें डिनर पर ले जाना चाहता हूँ। कैथरीन अब जान चुकी थी कि नील के पास अब कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, इसलिए वो उसे खुशी खुशी हाँ बोल देती है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। ये तो कहानी थी नील की, जिसको ऐसी सुपर पावर मिली जिसका उसने गलत इस्तेमाल किया। लेकिन समय रहते नील को अक्ल आई और उसने चीजों को सही कर दिया। लेकिन अगर यही सुपर पावर्स आपके पास होती तो आप क्या करते? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और रही बात वीडियो की, तो फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही। लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, पर तब तक के लिए धन्यवाद।